तो आज का चैप्टर रहेगा आउटसाइड माइक्रोमीटर। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो है वो मिनिमम 0.001 mm तक की इसकी मापने की क्षमता रहती है। तो इट इज एक्सीलेंट प्रिसिशन टूल विच इज यूज इन मेजर स्मॉल पैरामीटर एंड इज मच मोर एक्यूरेट देन द वर्नियर कैलिपर। मतलब ये वर्नियर कैलिपर से भी और कम क्षमता में माप सकता है। उसकी जो लिस्ट काउंट है 0.02 mm है और इसकी लिस्ट काउंट 0.01 mm। तो इस प्रकार से ये और भी बारीक पैमाइश कर सकता है। द माइक्रोमीटर साइज कैन वेरी फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। द लार्ज माइक्रोमीटर कैलिबर इज यूज टू मेजर लार्ज आउटसाइड डायमीटर और डिस्टेंस। लार्ज माइक्रोमीटर इज यूज एज ए स्पेशल मैकेनिकल मेजरिंग टूल फॉर मेन इंजन टू रिकॉर्ड द आउटर डायमीटर ऑफ द पिस्टन और रॉड। दिस लिस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर इज 0.01 mm। तो इस प्रकार से ये वर्नियर कैलिपर से भी अधिक इसकी पैमाइश की क्षमता है एक्यूरेट मापने की। तो इसकी बात करें तो सबसे पहले इसका ये फ्रेम है जो कि अलॉय स्टील से बना हुआ है। इसके बाद ये जो पॉइंट है इसको एनविल बोलते हैं और इसी के आगे जो है यहाँ कार्बाइड टिप लगी होती है और इसी तरह ही इसके बिल्कुल ये सामने जो है ये स्पिंडल है और इसके आगे भी कार्बाइड टिप लगी रहती है जिससे कि जब हम पैमाइश लेते हैं तो ये दोनों सरफेस जो है घिसे ना और इसकी लाइफ बनी रहे। इसके बाद ये जिसके ऊपर नर्लिंग की हुई है ये नट लगा हुआ है और इसके साथ साथ हम बात करते हैं इस प्रकार से ये इसका ये मेन स्केल है और इसके नीचे जो है ये मिनी स्केल है और इसके बिल्कुल सामने जो है ये थिम्बल्स डिवीजन भी कहेंगे थिम्बल स्केल भी कह सकते हैं और इसके आगे जो है ये कंट्रोल है नर्निंग नट भी बोल सकते हैं और इसके साथ साथ बिल्कुल लास्ट में आप देख रहे हैं ये है रैचेट। अर्थात जब हम साइज लेते हैं तो हम रैचेट से ही उसको टाइट करते हैं। तो ये इसका सारे पार्ट हैं और इसकी जो कैपेसिटी है 25 mm to 50 mm। इसी तरह इनकी कैपेसिटी अलग अलग रहती है और ये एक 25 mm के डिफरेंस पर इसका डिजाइन किया गया है। तो पहला जो माइक्रोमीटर रहेगा 0 to 25 और उसके बाद 25 से 50 उससे नेक्स्ट 50 से 75 75 से 100 100 से 125 125 से 150 और 150 से 175 175 से 200। इस प्रकार से 25 mm का डिफरेंस पर इनको तैयार किया जाता है। तो इंडस्ट्री के अंदर ये देखना होता है कि हमें कौन सा पार्ट तैयार करना है जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। मान लो आपका जो जॉब है वो 30-35 है या 40 mm है तो आपको 25 to 50 mm का आउटसाइड माइक्रोमीटर उसके लिए खरीदना होगा या उसको ही आप लेंगे तभी उससे आप साइज ले सकते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल हम इस ब्लॉक का अगर हम साइज लेना चाहते हैं तो हम इसको पकड़ने का तरीका जो रहता है इस प्रकार से है ये इस प्रकार से हम इसको खोलते हैं ये। तो इसके बाद हम रैचेट से इसको टाइट करेंगे और ये हमारा जो है जॉब इसके अंदर पूरा साइज के लिए तैयार है। तो हम इसमें देखेंगे अब इसका किस प्रकार से हम रीडिंग लेते हैं। तो सबसे पहले जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग लेंगे 25 mm। तो इसमें हमें जो भी ये पार्ट हम साइज लेंगे उसमें इंक्लूड करेंगे ही। तो पहले जो हमारा रीडिंग लेने का स्टेप रहेगा 25 mm उसको हम लिख लेंगे 25 mm। उसके बाद हम नेक्स्ट इनकी काउंटिंग करेंगे मेन स्केल की। तो ये 1 mm के डिस्टेंस पर की डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर। तो इसको 0 to 5, 5 to 10 और इस समय जो शो हो रहा है 11, 12, 13, 14। तो 14 जो है मेन स्केल की रीडिंग है और उसके बाद हम आते हैं नीचे जो मिनी स्केल है या सब स्केल भी बोलते हैं इसको। तो सब स्केल के एक लाइन और दिखाई दे रही है जिसकी की वैल्यू 1 mm से 0.5 mm 0.5 कहेंगे उसको। तो ये ऊपर हो गया 14 mm और उसके बाद सब स्केल की आपकी रीड 50.50 हो गया। तो ये आपकी होगी। उसके बाद आप थिम्बल स्केल है उसकी अगर रीडिंग लेंगे तो ये हो गया 0, 10, 20, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। तो ये
एक्चुअल 38 जो है इसकी रीडिंग आई है, तो हम इसको जो थिम्बल की रीडिंग है वो 38 काउंट करेंगे। तो अब इन सभी रीडिंग को जब टोटल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25 प्लस 14 प्लस 0.50 प्लस 38, अर्थात टोटल हो गया आपका 39.88। तो इस प्रकार से हम इसका रीडिंग लेते हैं। तो ऐसे ही एग्जांपल मैंने दो जॉब और आपके लिए रखी हैं, जिनको कि हम देख करके उसकी रीडिंग को आप कैलकुलेट कर करके बताएंगे, और अपनी कॉपी है प्रैक्टिकल की उसके अंदर उन रीडिंगों को आप दिखा पाएंगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि किस प्रकार से हम मेन स्केल, सब स्केल और थिम्बल स्केल की रीडिंग को जोड़ करके इसकी एक्चुअल जो रीडिंग है वो निकाल पाएंगे। और उसका जो मैं आपको डायग्राम जो है इस प्रकार से ये तैयार किया है, ये आप एक बार अच्छे से देख लें।